नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं अपने समय के साठोत्तरी जाने माने कथाकार कपिल आर्य जी के साथ। आज जैसा कि आपने सुना होगा, अवध नारायण सिंह जी नहीं रहे, तो आपसे उनका परिचय कब हुआ था कोलकाता में? वही साठोत्तरी का दौर था, 60-61 समझिए। कैसे, थोड़ा बताएं उनके बारे में विस्तार से, कैसे संसार थे 61 में? हाँ, हम लोग कॉफी हाउस में मिला करते थे और वो समय बहुत ही जिसे किस्म का था। हम लोग कॉफी हाउस में मुलाकात होती थी, वहाँ सभी इकट्ठा होते थे, कभी मिलते जुलते थे। तो जब पहली मुलाकात, जहाँ तक तो मुझे याद था, मेरी पहली मुलाकात वहीं कॉफी हाउस में हुई उनसे। तो क्या करते थे यहाँ कोलकाता में? यहाँ कलकत्ता में वे स्कूल मास्टर थे। किस स्कूल में? दिगंबर जैन विद्यालय, ये स्कूल बड़ा बाजार में है। तो वहाँ पर वो शिक्षक थे हिंदी के, हिंदी पढ़ाते थे। तो लिखना उसी समय उनका शुरू हुआ? हाँ बिल्कुल, उसमें उसके पहले से भी सुन लिए, वो थोड़ा सीनियर थे। और जब गांव में थे, बनारस जिले के रहने वाले हैं, बनारस जिले। हाँ, और उनका बैकग्राउंड ये था कि अवध नारायण जी वहाँ पर जो गांव में थे, तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा। हाँ, और थोड़ी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल थे, वहाँ कुछ काम करके भी आए थे। इस माने में राजनीतिक विचारों को लेकर फ्रॉड थे हम लोगों की तुलना में। अच्छा। हाँ, क्योंकि खुद एक सक्रिय, हाँ सीपीआई, वो खुद ही सक्रिय एक कार्यकर्ता थे, पॉलिटिकल वर्कर थे जी। तो उनके मित्रों में कोलकाता में कौन कौन थे उस समय के कलकत्ता में? देखिए, मित्र का मतलब तो विमल वर्मा तो थे ही, सकलदीप सिंह थे, हर्षनाथ दादा हर्षनाथ थे, कुछ बड़े थे, कुछ समकालीन थे, कुछ छोटे थे, सभी मित्रों का तो एक बड़ा व्यापक वो था। तो उनको कमांडर कहा जाता था? किनको? अवध नारायण जी को? ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा। कि उनको किसी ने कमांडर कहा हो? नहीं, कि उनके आसपास में गैदरिंग रहती थी? नहीं, ये गैदरिंग तो रहती थी ना युवा रचनाकारों की? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, वहाँ तो सब किसी का स्वागत था, नए पुराने। वहाँ तो कोई सीढ़ी का भेद ही नहीं था कॉफी हाउस में, क्योंकि लेखकों के बीच, नए पुराने लेखकों के बीच मेरे साधना इतनी अधिक थी, आपसी जो है सम्मान और स्नेह का सिर्फ बहुत तगड़ा था। तो शुरुआती दिनों से वो राष्ट्रीय स्तर के पत्रिकाओं में छपने लगे थे? नहीं, उसके पहले उन्होंने काम किया था, जैसे कटकरेजी निश्चुर, कहानी जो है, कहानी संग्रह है, उसके पहले काम करके आए थे और पहले से ही। उसके बाद जब आया तो कुछ साक्षरी का दौर, यहाँ नई कहानी, बिल्कुल कहानी से जुड़ गया, नई कहानी कह लीजिए आप। तो सारिका में इनकी कहानी छपी, सारिका में कौन कहानी छपी थी इनकी? आत्मीय। हाँ, आत्मीय, जो संग्रह भी बाद में आया, संग्रह में भी उसी नाम से आया। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी उनकी कहानी छपी, बहुत चर्चित कहानी जो थी। हाँ, पारा। हाँ, बहुत चर्चित कहानी। वो क्या कहानी थी पारा? देखिए, वो कहानी तो हम, मेरी दृष्टि में बहुत खराब कहानी थी, इसलिए उसका नायक जो है ना, बम का धमाका होता है तो उसका जो नायक है बम का धमाका, क्योंकि नक्सली दौर था और जहाँ तहाँ हर किसी का जीवन असुरक्षित था, कोई काम के लिए गया, स्कूल में गया, कल कारखाना में गया, ऑफिस कार्यालय में, घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा यह ठीक है। ऐसा समय नक्सल आंदोलन के दौर में करते थे, ऐसे भी गुजरे हैं। तो उसी दौर में उनकी कहानी साप्ताहिक हिंदुस्तान में, तब मनोहर श्याम जोशी के संपादक हुआ करते थे, साप्ताहिक हिंदुस्तान में इनकी कहानी छपी पारा शीर्षक से। अच्छा। पारा शीर्षक से। अच्छा। लेकिन उस कहानी की सबसे खराब बात यह है
कि जो ही बम का विस्फोट होता है रात में, पत्नी जो है ना, पत्नी की वो नायक जो है, नायक पति जो है वह जो है पत्नी की गोद में जाकर लग जाता है। यह कहानी का अंत है, अंतिम। अच्छा, अंतिम दृश्य है। तो ये ऐसा अंत करने के पीछे मैंने वो क्या सोचे होंगे कि इस तरह से, मैंने कि जहाँ कहीं भी अगर बचाव के लिए जगह मिले तो वो जगह, बिल्कुल आप सुरक्षा की बात है, वो जगह वो पत्नी की गोद ही क्यों ना हो। हाँ, जबकि खुद पत्नी के बारे में सोचना चाहिए था, पत्नी के बारे में। उल्टे ये जगह कहानी कहाँ थी, बहुत खराब है। तो मनोहर श्याम जोशी कैसे उसको प्रकाशित किए? बड़े संपादक थे। क्या देख करके वो छापे होंगे इस कहानी को? कि हो सकता है ये अभी इस तरह की कोई तन सच्चाई होगी, ये सच्चाई तो इस तरह की रहती है, हो सकती है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आदमी अपनी जान बचाने में क्या नहीं कर सकता है आदमी जी। और उसके बाद जो उनका एक उपन्यास जो था धुंध में डूबे हुए लोग, ये आपको मैंने दिया, ये जो आप दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, यह है धुंध में डूबे हुए लोग जी। इसका क्या, वो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, उस उपन्यास के बारे में। ये धर्मों को लेकर के है। अच्छा, इसमें आपको वो भी मिलेगा कि कुछ मुस्लिम खोलावाली है। अच्छा, खोलावाली तो अलग उपन्यास है ना इनका? हाँ ये है ना, खोलावाली इनका अलग उपन्यास है। आत्मीय कहानी संग्रह है, कठकरे की कहानी संग्रह है। कठकरे जी। हाँ, तो वो किस तरह का वो कहानी संग्रह था? वो ग्रामीण परिवेश की कहानी थी। अच्छा, वो बिल्कुल विशिष्ट ग्रामीण परिवेश की कहानी, कठकरे जी वो कहानी संग्रह उनका जी। ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, सारिका में ही? नहीं 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 नहीं, अच्छा वो सब कहीं सबकी किसी का। अच्छा अच्छा, तो इनकी जितने भी किताब आई थी सब कहाँ किस प्रकाशन से आई थी? एक तो मैंने आपको बताया कि अतुल प्रकाशन इलाहाबाद में, वहाँ से। यहाँ तो सुरेश भारती ने भी एक छापा था। अच्छा हाँ, जहाँ तक मुझे याद है कि सुरेश भारती ने ही यहाँ से उनका आत्मीय छापा था। अच्छा अच्छा, करते जी। और तो उस समय का माहौल कैसा था, उस समय जो नई कहानी का जो आंदोलन था और उसमें आप लोग भी थे, और आप कहते हैं कि अवध नारायण जी अपने समय की एक, हम लोग जिस समय साहित्य में आए वो नई कहानी आंदोलन का समापन था और सार्थोत्तरी कहानी का उदय था, नई कहानी का वो खात्मा था, और उसके बाद सार्थोत्तरी कहानी से कहते हैं उसका दौर चला और सार्थोत्तरी पीढ़ी के लेखक आए, उन्हीं लोगों में हम लोग हैं। तो आपसे पहले से लिख रहे थे अवध नारायण जी? आपसे पहले से लिख रहे थे अवध नारायण जी? कुछ तो पहले से लिख रहे थे अवध नारायण जी, कुछ पहले लिख रहा था। मैंने कोलकाता में, तब के कलकत्ता में आपसे पहले वो राष्ट्रीय स्तर पर वो जाने जा रहे थे, ये तो ठीक ठीक मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सीनियर तो थे वो। अच्छा, पहले से लिख भी रहे थे, उम्र में भी मुझसे बड़े थे। तो कमलेश्वर वगैरह आते थे तो पहले आपको बता देते थे? बता देते थे। क्या कहते थे? इनफॉर्म अवध और तो अवध अलख। अच्छा। कभी नहीं भूलते थे। हाँ। कमलेश्वर जी अवध नारायण सिंह को और अलख नारायण को कभी नहीं भूले। तो यहाँ आने पर उन लोग की कैसी अंतरंगता रहती थी? खूब मिलते थे सब, हुआ खूब चर्चा, पीना पीने पिलाने का दौर भी चलता था, साहित्य की चर्चा भी होती थी। वो बहुत इंस्पायर करते थे कि तुम लोग लिखो लिखो लिखो, हम बैठे हैं वहाँ छापने के लिए, हम बैठे हैं तुम लोग लिखो। कमलेश्वर करते थे? हाँ। अच्छा, बहुत हौसला बढ़ाते थे। तो यहाँ के लेखकों में राष्ट्रीय स्तर पर जो, उसमें आप एक हुए, आपके पहले अवध नारायण जी हुए, सिद्धेश जी हुए, सिद्धेश हुए, हम लोग तो राष्ट्रीय पर पहुँचा देते ना कलकत्ता को, तो उन्होंने पहुँचा दिया था बिल्कुल दिल्ली, सारे हिंदुस्तान में। सिद्धेश भी है,
और नारायण सिंह भी हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होने के लिए उस जमाने में जरूरी था कि कुछ धर्मों में या सारिका में आप छपें, साप्ताहिक हिंदुस्तान में आप छपें। धर्मयुग और सारिका बम्बई से, साप्ताहिक हिंदुस्तान दिल्ली से, तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी था कि इन पत्रिकाओं में छपा जाए। वो तो एक पत्रिका भी निकालते थे अवध नारायण जी, संचयता नाम से। संचयता नहीं, संचयन। संचयन सूर्यलाल जी निकालते थे, संकलन उनके देखा देखी ने निकाला, संचयन छेदीलाल गुप्त जी। हाँ, संकलन, संकलन अवध नारायण, संचयन, संचयन दादा हर्षनाथ, आयुध, मैं लेखन, इसी तरह से। तो आपके तो एक अंक रहे थे लेखन, सौरभ द्वारा निकालते थे अनिमा, आपका तो एक ही अंक, एक मात्र एक अंक आया। और संचयन, संचयन का भी मेरे ख्याल एक ही अंक आया, शायद एक अंक और भी आना चाहिए, संचयन का एक अंक और भी आया था, वो कहीं से उपलब्ध हो जान लीजिएगा, कलकत्ता के लेखों को ही रखा गया। तो आपकी पत्रिका में उनका एक लेख छपा था। हाँ, छपा था ना? लेख थोड़ा लेख के कुछ सुनाइए आप। हाँ, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सुनाइए ना थोड़ा। वो महानगर पर है। हाँ, क्या वो रिपोर्टाज है महानगर, तो महानगर देखा अनदेखा, ये शीर्षक मेरा दिया हुआ है, किस विषय पर आपको लिखना है। हाँ, आप उसमें तो उन्होंने लिखा। हाँ, तो पढ़ के कुछ सुनाया, कुछ सुने आप। मुफस्सिल इलाके, हाँ लाइए ना, मैं करता हूँ। मुफस्सिल इलाके कलकत्ते को वैसे ही घेरे हुए हैं जैसे मजदूर अपने मालिकों का इन दिनों घेराव करते हैं। कहीं घेराव की प्रेरणा कलकत्ते की भौगोलिक स्थिति से तो नहीं जुड़ी हुई है? भूगोल का यह घेराव एक नए इतिहास को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जिस तरह मालिकों की संपन्नता और समृद्धि का राज मजदूरों से जुड़ा हुआ है, उसी तरह कलकत्ते के वैभव और ऐश्वर्य का रहस्य दूर दूर तक फैले और बिखरे इन इलाकों से। इनके चेहरे मजदूरों के चेहरों के मान तने हुए, थके हुए, गुस्सैल और बिगड़े हुए हैं। ये चेहरे बदसूरत और उदार जरूर हैं, लेकिन इन पर आदमियत की गहरी छाप है। इन चेहरों के तेवर हमेशा बदलते रहते हैं, कभी उदास तो कभी रौद्र और कभी तटस्थ। इनका शरीर कारखानों में गलाया जाता है और फिर इस्पात के रूप में ढाल दिया जाता है। नष्ट होने के बजाय ये शरीर और ठोस और सख्त बन जाते हैं। इनके इस्पाती शरीर से गर्म पसीना बहता है और हुगली के मटमैले पानी में बह जाता है। हुगली के जल का मटमैलापन शायद इन पसीनों के रहस्य को छुपाए हुए है। जब इस जल में ज़्यादा पसीना मिलता है तो ज्वार उठता है। ज्वार जो हर बार कोशिश करता है जो हुगली के मजबूत किनारों को लांग कर दूर फैले मुफसली इलाकों को अपनी चपेट में ले ले। इन इलाकों की सुने ताजगी की जगह थकान लेकर आती हैं और सामने दबा हुआ गुस्सा। यह गुस्सा कभी टूटता और कभी फूटता है, कभी पड़ोस में ही बिखर कर रह जाता है। जिस पड़ोसी हैं, ठीक है, बहुत लंबा है ये। हाँ हाँ, तो इसको तो ये सकलदीप सिंह और विमल वर्मा, तो क्या विमल वर्मा ने तब उनकी कहानियों पर कोई आलोचना लिखी थी क्या? हाँ, या आप लोग की कहानियों पर विमल वर्मा जी ने? विमल वर्मा ने बराबर लिखा और नारायण की कहानियों। अच्छा। हाँ, बराबर जी। जब मैंने तरंगिनी निकाली तो मैंने विमल वर्मा का लेख छापा। अच्छा, उन्होंने मनु भंडारी पर लिखा था, उसको मैंने छापा। और सकलदीप सिंह क्या करते थे यहाँ? यहाँ पर सकलदीप सिंह जी एस बी मॉडर्न हाई स्कूल में शिक्षक थे। अच्छा, एनुसन बाजार के पीछे में है। अच्छा, कहाँ पर?
एसबी मॉडल, वो भी कवि थे। कौन? शकलदीप थे। अरे कवि थे, आलोचक थे। आलोचक भी थे। हाँ नहीं बहुत बढ़िया, इसीलिए पकड़े रहते थे और नाराज थे। अच्छा। शकलदीप जी कवि भी थे, आलोचक भी थे। अच्छा अच्छा। कविता के कई पुस्तकें हैं। हाँ। और आलोचना की भी हैं। हाँ। और हम आज बड़े लोगों के बीच में। हाँ। हम लोग आधे अधूरे पढ़े हुए लोग हैं, वही एक थे जो डबल एम में थे। वो तो आलोचना में भी लिखते थे, आलोचना में भी, आलोचना पत्रिका नाम है कलकत्ते से, अलक नारायण और शकलदीप सिंह आलोचना में छपे नाम मशीन उनको छापा जी। तो ये शकलदीप जी भी इनके कहानियों पर लिखते थे, खूब लिखते थे, इसीलिए पटाए रहते थे दोस्त बना करके। और विमल वर्मा जी को, विमल वर्मा को भी सही, जो जो आलोचक इनकी मुट्ठी में थे, अवध नारायण की मुट्ठी में, तो वो समझते थे उस समय कि बिना आलोचक के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत तेज आदमी थे वो, अपनी मर्जी से। अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी मर्जी से चाहते थे कि अलग मुझ पर लिखे, लेकिन इस माने में वो समझौता नहीं करता था। जब किसी के बारे में लिखा, उसकी रचना सामने होती थी, रचना को देखकर ही अलग रचना हो, कभी किसी लेखक कभी लेखक। और बाहरी के कोई आलोचक जो थे कलकत्ता से बाहर के जो आलोचक थे, हाँ आप लोग पर लिखते थे? लिखते थे, खूब लिखते थे। कहाँ रायपुर, कहाँ जमशेदपुर, इसीलिए हमको इन्विटेशन भी मिलता था। कहाँ बांदा, सुधीर सपर, पचौरी और कर सिंह चौहान जैसे लोग हम नोटिस में लेते थे। हम लोगों ने तो भाई कलकत्ते को बाहर पहुँचाया है, हम किसी थे सीधे से शामिल है, दूसरे यहाँ लोग आते थे। अभी देखिए ना, वो पत्रिका आपसे मालूम होगा, राधा कृष्ण जिनको मुंशी प्रेमचंद अपना तीसरा बेटा समझते, वो भी मिले थे, उन्होंने लिखा। एक मिनट रहिए। हाँ अच्छा, उसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा है मेरे घर, राधा कृष्ण जी ने क्या लिखा है बताइए। वो आए थे कलकत्ता, जब वे आते थे तो छेदीलाल गुप्त से मिलने के लिए आते थे जी, छेदीलाल गुप्त से ही मिलने आते थे, तभी उनसे मुलाकात हुई थी। राधा कृष्ण प्रेमचंद उनको अपना तीसरा बेटा मानते थे, और वो राधा कृष्ण जी रहते थे रांची में। आप रांची जाएंगे, अभी आपको रांची में राधा कृष्ण पथ मिलेगा, आपको उनके नाम पर सड़क है। तो अवध नारायण जी खलासी टोला जाने वालों में भी थे? बिल्कुल, वही नेता थे, गैंग लीडर, इनका गैंग था पीने पिलाने वालों का। इसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें सभी शामिल थे। आप भी शामिल थे? मैं कभी नहीं गया। अलग नारायण जी रहे हैं। और तो सिद्धार्थ कोई फिल्म था, कभी कभार सिद्धेश था। अच्छा अच्छा। वहाँ कभी कभार वो दोनों आए थे, बंगला वाले नामी ग्रामीण कब भी आ जाते थे वहाँ, खलासी टोला शक्ति चट्टोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, कभी कभार गिंसबर्ग भी उसी समय आए थे। गिंसबर्ग उसी समय? गिंसबर्ग का अलग समय है। अच्छा। शमशानी पीढ़ी का जो जन्म हुआ उसके पीछे अवध नारायण कहाँ थे, कैसे वो कैसे इन्होंने अध्यक्षता की, रातों रात को कैसे साहित्यकार बनता है, यह जो है मल्लिक को, मल्लिक को अध्यक्षता इन्होंने ही की थी कलकत्ते को। किस घाट पर ये कांड हुआ था? हैं? किस घाट पर? बिल्कुल ही कोई किसी घाट पर नहीं गया, शाब्दिक सब ये कोई छप गया, कहीं कोई नहीं गया, पहला घाट की बात है। ले जाके सुनानी पूरी की तरफ, एक शमशान में हुआ, ऐसी बात नहीं है, यह गलत है। आपको ऐसे लगता सुधानी पूरी मतलब निम्पल्ला सुधान घाट में, इसका वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो शकलदीप सिंह के भी कई संग्रह वगैरह आए? हाँ आए ना, शकलदीप के क्षेपक है, क्या क्या है ना, वो मैंने कहा लिखा है, उधर सब कुछ मिले इसमें। देखिए एक साहित्यकार के रूप में शकलदीप जी ने बहुत काम किया, लघु पत्रिका नया संदर्भ का प्रकाशन संपादन किया,
उनके उल्लेखनीय काव्य संग्रहों के नाम हैं व्यतिक्रम, पत्थर और लकीरें, आकस्मिक, क्षेपक, प्रतिशब्द, निसंग और ईश्वर को सिरजते हुए। ईश्वर को सिरजते हुए ये इनके काव्य संग्रह हैं। इतने संग्रह हैं? हाँ, इतने संग्रह हैं। जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में वे अपने बेटे के पास गुवाहाटी आसाम चले गए थे, जहाँ उनका आकस्मिक निधन 21 मई 2010 को हो गया। आज हम लोग 12 वर्षों के बाद याद कर रहे हैं, 12 वर्ष में गए हो गया। तो आपसे कैसे उनके संपर्क थे अवध नारायण जी के? आपके साथ उनका कैसा? बहुत ही आपसी सद्भाव तो नहीं कहेंगे, आपसी एक अंतरंगता तो थी। आपकी कहानी पर आपकी तारीफ उन्होंने कभी? अवध नारायण जी मेरी कहानी की तारीफ की है। किस कहानी की? मिलेगा आपको किस कहानी की? जी दर्शक की उन्होंने की और सत्ता की किए। अभिनेत्री? अभिनेत्री मिलन को अलग जगह छपी थी। सारिका की विश्वाओं को मैंने 3 कहानियाँ छपी। वो प्रशंसक थे, वो साहित्यिक जो है ना, अवध नारायण जी ने देखा मैंने कि साहित्यिक वो मेरे बारे में समझते थे, सोचते थे कि कपिल भाई की समझ बहुत अच्छी है साहित्य को लेकर, यह उनकी पक्की धारणा थी। और हम दोनों एक दूसरे को भाई भाई करते थे, कपिल भाई अवध भाई, ये हम दोनों का आपसी संबंध था, व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत बातचीत में संबोधन ये था। और कमलेश्वर जी के साथ? कमलेश्वर जी के साथ हम तो कमलेश्वर भाई उनको करते थे, उनको कपिल करते थे, कामतानाथ को डियर करते थे और हमको दोस्त करते थे, कामतानाथ को डियर करते थे और मधुकर जी को अच्छा मधुकर, विदाई की समय की बात कर रहा हूँ, याद है मुझे, तीनों के लिए 3 संबोधन था। और हंस में कभी छपे कि नहीं अवध नारायण जी? नहीं कभी नहीं, कलकत्ते का कोई लेखक हंस में नहीं छपा। राजेंद्र यादव के साथ उनका मिलना जुलना कभी कोई? किनका? अवध नारायण जी का? ऐसा तो मन ध्यान में नहीं है कि कभी। कलकत्ता के एक भी रचनाकार हंस में नहीं प्रकाशित हुआ आप लोग की पीढ़ी में? मेरा तो यही ख्याल है कि कोई नहीं, कलकत्ते का एक भी कथाकार नहीं छपा, और जो छपा है कहानी पत्रिका में, कहानी पत्रिका में सुनिए, और जो छपा है वो लेखक ने पूछे, वो महिला लेखक है, सुधा जी, सुधा अरोरा नहीं, मैं प्रभा चेतान की बात कर रहा हूँ। प्रभा चेतान बहुत छपी हैं, हंस में बहुत छपी हैं, कहानी में आप लोग छपे थे? कहानी पत्रिका श्रीपति राय जी की पत्रिका में? मैं नहीं छपाता। अवध नारायण जी? नहीं, सिद्धेश छपा। सिद्धेश जी छपा बहुत, श्रीपद राय बहुत मानते, परम भाग्यशाली सिद्धेश माने, वो हर जगह छपे, धार्मिक में भी छपे, श्रीपद राय मानते थे, वो लिखते जाओ फुल्लम खुला था कि तुम लिखते जाओ भेजते जाओ मेरे पास, कितना बड़ा सौभाग्य इसका, परम सौभाग्य से श्रीपत्राय। कोलकाता कभी आते थे श्रीपत्राय जी को? कभी नहीं देखा। अमृत राय जी को? अमृत राय को देखा, सुभाष उनको पाध्याय बाद में यहाँ पर आए थे, यहीं पर देखा मैंने, सुभाष मुखोपाध्याय उनके मित्र थे, और अमृत राय को मैंने देखा है बाना सुनने में बहुत पहले, लेकिन बात करने के लिए हिम्मत नहीं हुई बात करने की। बांदा में तो आप धूमिल को भी देखे होंगे? हाँ, धूमिल जी को भी। हाँ बिल्कुल, साल में फोटो खींचा गया है, मार्जी से त्रिलोचन केदारनाथ अग्रवाल, कौन को भगवत सिंह, डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय, एकदम ग्रीक नायक की तरह बॉडी, डोरे सीटे सूटे बूटे। कलकत्ता से सिर्फ आप उसमें शामिल हुए थे बांदा सम्मेलन? हाँ, और कोई नहीं।
1977 फरवरी वही तीन को देखा मैंने एक साथ में, केदारनाथ अग्रवाल, कुलभूषण और नागार्जुन। वो कंबल बांट के कैसे कैसे पहुंचाता था, कैसी गाड़ी थी, एक में बैठ गया, वो भेड़ बकरी वाला था, उसे कुछ आदमी बैठा उसी में बैठ के चले गए। तो रिटायर के बाद फिर अवध नारायण जी गाँव चले गए। रिटायरमेंट के बाद अवध नारायण जी गाँव चले गए, लिखना पढ़ना उनका छूट गया, लिखना पढ़ना छूट गया। बहुत दिनों तक वो आँख से लाचार, कान से लाचार, उनके अंतिम दिन बहुत कष्ट में बीते हैं, बहुत कष्ट में। कान से सुन नहीं पाते थे, आंखों से देख नहीं पाते थे। तो अंतिम उनकी रचना कौन थी, कौन उनकी अंतिम रचना को याद ये है? नहीं कर सकता, बहुत पहले की बात है, 70-80 के बाद ये लोग छपने लिखे नहीं। ये जितने उपन्यास जितने हैं सब वही 70 के दशक में। हाँ, सारा लेखन 70 के पहले का है, 50 बरस पहले का। उसके बाद जो है वो तो क्या ये निराशा क्यों आ गई थी, निराश क्यों हो गए थे आप, अभी तक सक्रिय हैं, वो लोग क्यों निराश हो गए थे? ये मेरी समझ में कभी नहीं आया कि उन्होंने कलम क्यों रख दी, ये मेरी समझ में कभी नहीं आया। जैसे घन विमल वर्मा, आज भी विमल वर्मा लिखते हैं लेख, आलोचनात्मक लेख और पत्रिका भी निकालते हैं। लेकिन 70 के बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा। सक्रिय लिखने वालों में एक आप हैं, अभी भी हम लोगों ने कलम नहीं रख दिए, अभी भी नहीं। और कोई याद अवध नारायण जी से? बाबा आते थे तो उनसे मिलते थे ना? कौन कौन बाबा? नहीं, बाबा कभी नहीं सुना बाबा के, मुझसे कभी अवध नारायण जी का नाम नहीं सुना। क्यों, ना पसंद करते थे? बिल्कुल ना पसंद, मैं ये नहीं जानता, बाबा ने कभी भी मेरे सामने अवध नारायण का नाम नहीं लिया। बाबा मेरे यहाँ 5 पद मैंने लिखा है, लंबा चौड़ा लिख भी रहा हूँ, अभी 5-5 बार यहाँ आए, वो कमरा खाली। सकलदीप जी के तो करीब मैंने पसंद करते थे। किनको? सकलदीप सिंह को। किनको? सकलदीप सिंह को बाबा कहते तो मैंने लिखा है ना। हाँ। देखिए वो चश्मे वाली घटना क्या है? चश्मे वाली घटना क्या? हाँ, मेरे सामने की बात है, पता नहीं बाबा हम 5 लोग बैठे होते, दादा हर्षनाथ, बाबा शिवनाथ दादा थे, और हम लोग सभी अच्छे इकट्ठे बैठे, 4-5 जने थे। पता नहीं सकलदीप जी ने कौन सी ऐसी बात कर दी कि बाबा को बात नागवार लगी, बाबा ने चश्मा छीन करके अपने पास रख लिया। लाचार होकर सकलदीप जी वहाँ से चलते हैं, खिसक गए। लेकिन मेरा इस घटना से मेरा जी उदास हो गया, लेकिन मन ही मन मैंने सोचा कि मैं सकलदीप जी के चश्मे का उद्धार करूँगा, और किया भी। तो अंत में आप अवध नारायण सिंह जी को किस रूप में याद करेंगे? अवध नारायण जी को मैं अपने बहुत ही अंतरंग मित्र के रूप में याद करूंगा, और एक समकालीन लेखक के रूप में याद करूंगा, एक दूसरे की प्रशंसा भी करते थे, और शायद ही कभी हम लोगों ने एक दूसरे की निंदा की हो। मेरे लेखन में उनको रुचि थी, उनके लेखन में उसको रुचि थी। और उनके संपर्क सिद्धेश जी के साथ? मैं नहीं जानता कि सिद्धेश जी के साथ में अवध नारायण का कैसा संपर्क, लेकिन हम मिलने जुलने वालों में थे, क्योंकि कॉफी हाउस की अड्डाबाजी में सभी लोग आते थे। अनय जी के साथ? अनय जी के साथ किनका? अवध नारायण जी का। भाई अनय जी तो बहुत ही खुश मिजाज थे, सभी से उनका रहा होगा, परिचय रहा होगा, मैं ध्यान में नहीं है।
लेकिन बहुत हंसमुख थे अनिल जी, बहुत हंसमुख खुशमिजाज, और जो बात बोलते थे हम डंके की चोट पर बोलते थे, जो भी बात है साहित्य यहाँ पढ़ाते थे ना संतपास कॉलेज में। तो बातचीत के लिए आपका धन्यवाद, आपने समय दिया और अवध नारायण जी।